अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हम यूके की पीआर कैसे हासिल कर सकते हैं और कौन से ऐसे कोर्सेज हो सकते हैं जिनमें हम एडमिशन सिक्योर करके बहुत ही आसानी से और क्विक मेथड्स को अडॉप्ट करते हुए यूके की पीआर हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि उन तमाम कोर्सेज को कवर करूं और उनकी रिक्वायरमेंट्स को कवर करूं और आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूं जिन कोर्सेज में आप यूके में एडमिशन ले सकते हैं और उन कोर्सेज में एडमिशन लेने के साथ साथ किस किस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए आप बहुत ही आसानी के साथ यूके की पीआर हासिल कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। तो अगर हम कोर्सेज की बात करें तो उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आपने जो है वो एफए की बेस पे अप्लाई करना है तो आपके पास एटलीस्ट 55-60% मार्क्स होने चाहिए और अगर आपने बैचलर्स की बेस पे अप्लाई करना है तो 65% मार्क्स आपके लाजमी होने चाहिए इन कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए। सेकेंडली, आइल्स मस्ट नहीं है, आप क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के ज़रिए भी इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ एडमिशन सिक्योर करके जो है अपनी डिग्री मुकम्मल करने के साथ साथ NHS में या मुख्तलिफ इदारों में जॉब सिक्योर करके जो स्पॉन्सरशिप देते हैं यूके की पीआर हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम कोर्सेज की बात करें और तमाम चीज़ों की बात करें तो उसमें सबसे पहले जिस कोर्स की मैं बात करना चाहता हूँ मास्टर्स इन हेल्थ केयर है। अगर आप मास्टर्स इन हेल्थ केयर में एडमिशन ले लेते हैं, अगर आज ऐसे ही आप कोर्स मुकम्मल करेंगे तो आपको इसके दौरान बहुत ही आसानी से इंटर्नशिप मिल जाएगी और आप इसकी बेस पे जो है वो NHS में जॉब सिक्योर कर सकते हैं। उसके अलावा मास्टर इन्फॉर्मेटिकल भी कर सकते हैं जिसमें आप क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के ज़रिए इस कोर्स को मुकम्मल कर सकते हैं और इस कोर्स को मुकम्मल करने के साथ ही आप NHS में जो है वो जॉब सिक्योर कर सकते हैं। और अगर आपकी NHS में जॉब सिक्योर हो जाती है सो इट्स मीन आपकी यूके की PR कन्फर्म है, जिसकी बेस पे आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, आपको यूके की PR मिल जाएगी। उसके अलावा आजकल बहुत ज़्यादा जो ट्रेंड चल रहा है केयर असिस्टेंट्स के बहुत सारे स्पॉन्सरशिप लाइसेंस मिले हुए हैं लोगों को और बहुत सारे लोग केयर असिस्टेंट की बेस पे भी कर रहे हैं, तो आई होप ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो केयर असिस्टेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो जो छोटे छोटे कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं वो आप अपने इधर ही आके कर सकते हैं, उनके कुछ लेवल्स हैं वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।